वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो सारे फेस्टिवल हो गए हैं खत्म, अब हम आ गए अपनी रूटीन लाइफ में। तो मैं आशी को स्कूल से लेकर आई हूँ और इसको मिल गया है ये पीनट। हाय बोलो। हाय। स्कूल से आए हो अभी? क्या करके आए हो स्कूल से? पढ़ाई की लड़ाई नहीं, पढ़ाई पढ़ाई करके आए हो? बी फॉर बॉल। क्या करके आए हो? बी फॉर बॉल। तो ये बी फॉर बॉल याद करके आइए। तो इसको मिल गया पीनट का पैकेट। अभी पीनट का पैकेट खोल के देती हूँ मैं इसको, थोड़ी देर में मैं इसके लिए कुछ बना कर दूंगी। आलू का पराठा, मे भी आलू रखा हुआ है तो बस इसको पराठा बना के दूंगी। और आज मेरा आया था पार्सल पर्पल से, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी तो मैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी। मैंने नए प्रोडक्ट मंगाए हैं, अगर मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैं बाद में यूज़ करने के बाद, कम से कम दो हफ्ते यूज़ करने के बाद, अगर मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिला या ख़राब मिला दोनों ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिकॉज अब फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं और शुरू हो गया है शादियों का सीज़न। तो हर घर किसी के घर में, या तो उनके रिलेटिव्स की या फिर उनके घर खुद के घर में शादियाँ हैं। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी मैंने आज एक नई रेसिपी भी बनाई थी आशीष के लिए, बीटरूट और आलू का पराठा। तो अगर वो वाली भी मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर बड़ों के लिए, जो भी कुछ है अगर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए चलते हैं, मैं आशी के लिए कुछ लंच बना देती हूँ। क्योंकि ये है आलू और बीटरूट के पराठे की रेसिपी। तो यहाँ पर है एक बीटरूट लिया है और तीन चार मैंने लिए हैं आलू। मैंने इनको बॉयल कर लिया है और अब मैं इन्हें कर लूँगी पील। पील करने के बाद हम इसे ग्रेटर से कर लेंगे ग्रेट, क्योंकि हाथ से फोड़ने से ना थोड़ी बहुत गांठें रह जाती हैं, फिर वो पराठे बनाने में ना मज़ा नहीं आता। तो इसको ग्रेट कर लेना है। ये सुबह वाली वीडियो और दोपहर में भी हमने यही वाला आटा बच गया था तो हमने यही इसी के पराठे बनाए थे, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहे थे। जब आलू आप डो में डालते हैं ना बहुत सॉफ्ट बन जाता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला आटा, लाल मिर्च, अजवाइन और कस्तूरी मेथी। मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली क्योंकि आशी के लिए बनाना था। तो इसको हमने अच्छे से गूंध लिया है। गूंधने के बाद हमें इसको नॉर्मल जैसे पराठा बनता है वैसे ही पराठा बना लेना है। और बस हमारा पराठा हो गया है रेडी। बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के दो खाना तो वो अच्छे से खा लेते हैं। आशी ने दो पराठे खा लिए थे खुशी खुशी में। और बस हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। और इसके बाद सुबह सुबह ही मेरा पार्सल आ गया था आज पर्पल से, तो बस मैं वही लेने आई हूँ। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मेरा पार्सल आता है। आप लोगों को खुशी होती है या नहीं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मुझसे हो गई एक मिस्टेक, मैंने कैमरा तो सेट कर दिया लेकिन जब मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया तो वो बना ही नहीं। इसके बाद ये देखिए मैंने मंगाया था, तो ये मैंने मंगाया था प्लम का बॉडी मिस्ट। सेकंड है ये पिलग्रिम की रेड वाइन फेस मिस्ट टोनर है। फिर है लिवॉन के बाद है ये पिलग्रिम की ही फेस क्रीम है, रेड वाइन फेस क्रीम SPF 30। इसके बाद है पिलग्रिम का फेस टोनर ब्राइटनिंग सीरम विटामिन सी। और फिर फोर्थ है ये भी पिलग्रिम का रोज़वुड फेस ऑयल है। तो मैंने इतनी सारी पिलग्रिम की चीज़ें इसलिए मंगा ली क्योंकि इस पर चल रहा था ऑफ़र, एक के साथ एक फ्री था। पर्पल पर अलग अलग ऑफ़र चलते रहते हैं बट अभी नहीं है, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सस्ता मिल जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, वेडिंग सीज़न चल रहा है तो अलग अलग ऑफ़र्स आते रहते हैं, तो आप मंगा सकते हैं आपको जो भी चाहिए। इसके बाद ये मैंने सूट लिया था उस दिन हम जब दिवाली पर घर गए थे, तो ये मैंने मॉल से ख़रीदा था। तो ये था नायरा कट में, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने इसको सिंपल कुर्ती बनानी थी, तो ये सब मैंने इसे उधेड़ उधेड़ दिया। ये देखिए ब्लाउज़ कितना अच्छा लगेगा अगर इसको ऐसे ब्लाउज़ पहना जाएगा। फिर ये सब करने के बाद मैंने इसको उधेड़ उधेड़ के रखने के बाद लग गई भूख। फिर हमने किया लंच आशी और मैंने, तो मैंने ये बीटरूट वाला ही पराठा बनाया था लंच में, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आशी को भी बहुत पसंद आया था, तो आशी ने भी पेट भर के खा लिया। लंच करने के बाद मैंने जो अपनी कुर्ती उधेड़ी थी वो सिलने के लिए बैठ गई, तो टीवी चल रही थी, मूवी देखती जा रही थी और सिलती जा रही थी। तो बस ये देखिए सिंपल कुर्ती बन गई है, अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था इसे पहनने में, अब इसे ट्राई करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है। और अब इसमें ना मैं थोड़ी पतली लग रही हूँ, उसमें ज़्यादा मोटी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था पहनने में और मुझे उसकी फ़िटिंग भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद ये देखिए पूरा सूट सेट ये है, ऐसा इसकी पैंट है और ये इसका दुपट्टा है, तो थोड़ा इतराना तो बनता है। अब आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।